So, you all guys have registered yourself as per your interested course. Like, if you fall under the red exempted category, then you fill the registration through red exempted or through red examination, then also the same procedure you have followed for both the categories. Like, these are the two options. So, now after registration, what are the options? Because the confusion is there. विच ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट दैट शुड बी गुड फॉर एस तो यही चीज़ हमको देखनी है आज के इस वीडियो में आई ट्राई टू फिल ऑल द फॉर्म्स ऑल द ऑप्शन सो दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी रिजेक्टेड और इट विल नॉट गिव लाइक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द यूनिवर्सिटी सो बिफोर कमिंग टू द मेन वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट दिस फ्री क्लास ऑफ एन अकेडमी जो कि मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग और इसमें बहुत ही मोटिवेशनल लेक्चर मिलने वाला है क्राफ्टिंग अ विजन फ्रॉम योर डॉक्टोरेट एडवेंचर बेसिकली द नेम इज फ्रॉम बैचलर्स टू बियॉन्ड क्राफ्टिंग अ विजन फॉर योर डॉक्टोरल एडवेंचर यहाँ पे आपको फ्री क्लास है जस्ट रजिस्टर कर लो रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिंक है और यहाँ पे आपको ए टू जेड चीज़ लाइक कैसे आपको पी करनी चाहिए क्या चीज़ें हैं क्या ऑप्शन है जो आप भूल जाते हो ऐसे इसके अंदर मोटिवेशनल टॉक होने वाले हैं एंड इट विल बी कम्प्लीटली फ्री फॉर यू सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन सो जस्ट प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक रजिस्टर फॉर द अकेडमी एंड अटेंड दिस लाइव क्लास आप अपने सारे के सारे डाउट मेरे से पूछ सकते हो इस डिस्कशन में जो कल होने वाला है दैट विल बी ऑन 16th ऑफ दिसंबर एट एट पी एम सो टाइम याद रखना कल का टाइम है रात आठ बजे रिलेटेड टू एनी डॉक्टरेट एडवेंचर यू कैन आस्क मी डाउट एंड वी विल हैव अ वेरी गुड लाइक लेवल ऑफ डिस्कशन इन दिस फ्री क्लास सीरीज़ So, we will move on to the dashboard of like BHU registration for the PhD entrance examination. Now, each and everyone has registered yourself. You will get a dashboard like this. The very first option is the application form, then, preview form, make payment, print form, and examination schedule. Now, what you have to do, you have to click on the uh, application form. So, what it shows like, select your application first because this is a common portal. तो कॉमन पोर्टल पे क्या होता है सारे एग्जामिनेशन बी एच यू अपने कंडक्ट कराता है तो एक कॉमन पोर्टल बनाया दैट्स वाई द ऑप्शन इज देयर कोर्स टाइप बट आपने रेड के थ्रू जाके इस पोर्टल को एक्टिवेट किया है सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन रेट एडमिशन सो जस्ट क्लिक ऑन द रेड एडमिशन एंड द कोर्स नेम विल बी द पी एच डी बिकॉज ये रेड के लिए ही हो रहा है नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन द चेक एलिजिबिलिटी और यहाँ पर सिंपल सी उन्होंने एक uh, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो एलिजिबिलिटी है वो देख लिया होगा सो यू हैव टू कन्फर्म जिससे कल को आप कुछ क्लेम ना कर पाओ कि अरे मेरा तो इतना परसेंटेज था आई हैव क्वालिफाइड आई सी ए आर आई हैव क्वालिफाइड डी एस टी इसलिए आपको ये चीज़ पे क्लिक कर देना है नाउ सी आर द ऑप्शन एप्लीकेशन स्टेटस डिटेल अपलोड फोटो अकेडमिक क्वालिफिकेशन टेस्ट सेंटर प्रिव्यू एंड दिस सो ना वट द थिंग इज दैट एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन डिटेल ना यू हैव टू गो टू द एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे आके अपना मेन डिसिप्लिन सेलेक्ट करो देखो मेन डिसिप्लिन मतलब आपका मास्टर्स जिसमें था फॉर एग्जाम्पल आप मास्टर जोलॉजी से थे ठीक है मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो ग्रुप है उसके अंदर डिस्कशन चल रहा है और वो लोग यही चीज़ पूछ रहे हैं सो so, लाइक like, आप जोलॉजी से हो तो यार सिर्फ जोलॉजी पर जाओ और मैं जाके देखता हूँ बहुत सारे ऑप्शन हैं देखिए जोलॉजी एन टी ए रेट ठीक है Zology, NTA, RET, तो मैंने ये वाला जो एक्टिवेट किया था दिस इज फॉर रेट एग्ज़ाम एग्ज़ाम था एन टी ए तो अगर आपका एग्ज़ाम एन टी ए था तो आप इसको जोलॉजी एन टी ए कर लो अब इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं देखिए कहीं कहीं पर लिख के आ रहा है बी एच यू रेट यूरोलॉजी वेदांता वेटनरी माइक्रोबाइलजी ठीक है वेटनरी फार्माकोलजी वोकल म्यूजिक है ना तो यहाँ जिसके आगे बी एच यू रेट लिख के आ रहा है सो दे इन दैट केस यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ये एन टी ए के थ्रू नहीं आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा जो आ, होगा ठीक है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं लाइक जोलॉजी एन टी ए रेड बिकॉज यहां जोलॉजी एन टी ए रेड ही है अब फिल मेड डिसिप्लिन कोर्स कोड अब आपको यहां से अगर मिल नहीं रहा है सो दिस इज द लिंक थ्रू विच यू जस्ट डू कंट्रोल एफ और जोलॉजी में आप आ जाओ एट एट फोर इज द कोर्स कोड सो एट एट फोर करेक्ट नाउ क्वालिफाइंग पीजी एग्जामिनेशन सॉरी फॉर पीएचडी एडमिशन क्वालिफाइंग पीजी एग्जामिनेशन आपने क्या चीज क्वालिफाई <coughs> की है पीजी एग्जामिनेशन के लिए वो आपका एग्जामिनेशन क्या है देखिए एमडी मतलब मेन डिसिप्लिन एडी मतलब एल डिसिप्लिन तो बहुत ध्यान से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए अब आपको यहाँ पे आपने बिकॉज जोलॉजी चूज किया है तो यहाँ पर ये पांच ऑप्शन क्यों निकल के आ रहे हैं मैं आपको ये क्लियरली समझा देता हूँ सी आपने मेन डिसिप्लिन जोलॉजी किया है तो आपका जो मेन डिसिप्लिन होगा एम डी दैट इज जोलॉजी यही होना चाहिए हो सकता है आपने मोलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स सॉरी देखिए मेन डिसिप्लिन में ऑप्शन ही नहीं है जोलॉजी ही रहेगा तो आपको ऐसे ही चूज़ करना है अगर आपने इसी से किया है अब अगर आपका मास्टर्स जो है वो लेट्स मोलिकुलर और एलाइड डिसिप्लिन से है तो व्हाट द मैसेज योर सेलेक्टेड सब्जेक्ट इज अवेलेबल इन मेन डिसिप्लिन प्लीज अप्लाई फॉर मेन डिसिप्लिन तो वो कह रहा है कि आप इसको मेन डिसिप्लिन में अप्लाई करो मतलब अगर आप ह्यूमन और मोलिकुलर और ह्यूमन जेनेटिक्स से हो तो आप ऊपर चेंज करो दैट मीन्स कि आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ जोलॉजी ही चूज़ करना है द सिंपल आंसर इज दैट आप ये कोई ऑप्शन लेगा ही नहीं देखिए वो हर बार एरर देगा और आप इसको ओके okay करेंगे तो ये हट जा रहा है सो दैट इज ऑफ नो यूज हाँ देखो न्यूरो साइंस ले ले रहा है न्यूरो साइंस में अगर आपने एलाइड कर रखा है तब भी आपका जोलॉजी दे सकते हो बट बाकी डिपार्टमेंट्स आप नहीं दे पाएंगे ठीक है देखिए ह्यूमन जेनेटिक्स को भी ले रहा है तो जो डिपार्टमेंट अगर आपका मेन डिसिप्लिन नहीं है सपोज एलाइड डिसिप्लिन मतलब आपका मास्टर्स एलाइड डिसिप्लिन से है तो आप इसको फिल कर दीजिए ठीक है बट सो बेसिकली अपने मेन सब्जेक्ट को लेके ही आपको क्वालिफाइंग पीजी एग्जामिनेशन फिल करना है जिसमें आपने पीजी एग्जामिनेशन फिल किया मतलब मास्टर्स का सो so अब यहाँ पे आपका अगर आप देख लो कि यहां पे पहले ले रहा है कि नहीं ले रहा है आई प्रेफर कि जो आपका मेन सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे एमडी वो भर दो नाउ सेलेक्टेड मेन डिसिप्लिन एंड पी सब्जेक्ट तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो डेफिनेटली आपकी कौन सी होगी जोलॉजी एन टी ए रेट बिकॉज आप जोलॉजी से हो तो आप भी चाहोगे कि आप जोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही रजिस्टर हो और वहीं से आपको डिग्री मिले नाउ द सेकेंड प्रेफरेंस सी दीज आर द ब्रांच इन विच योर सब्जेक्ट लाइक द जोलॉजी इज इंक्लूडेड इन अलाइड डिसिप्लिन सो दैट मीन्स कि आप के सब्जेक्ट जहां जहां एलाइड में होंगे यू आर एलिजिबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इन ऑल द ऑल दीज डिपार्टमेंट्स तो आप देखिए जोलॉजी का इन सारे डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अनाटमी बायो केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी ये डिपार्टमेंट अलग अलग जगह हैं सो प्लीज़ बी केयरफुल आराम से देख के फिलअप करना फॉर एग्जाम्पल एट से बायोटेक्नोलॉजी करेक्ट अब थर्ड प्रेफरेंस तो आपके पास फाइव प्रेफरेंस हैं आई सजेस्ट कि आप सारी प्रेफरेंस ऐसी फिल करो जहाँ पे आपका रेलिवेंस हो जिस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा आप जानते हो कि वहाँ पे काम हो रहा है वहाँ रिसर्च का एटमोसफेयर है वहाँ प्रोफेसर्स ठीक हैं ऐसे डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल करो आयुर्वेद आर द बेस्ट कर सकते हो आप किसी एक आयुर्वेद वहाँ पे चांस रहेगा रिसर्च का माहौल बनेगा और आप फिर किसी को को गाइड बना लेना अपने मेन डिपार्टमेंट से सोलेट so, से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकेंड च्वाइस एंड द फोर्थ चॉइस विल बी लाइक शैल्यतंत्र एंड द फिफ्थ चॉइस विल बी गेस्ट रो लाइक माई लास्ट चॉइस नाओ योर एन टी एप्लीकेशन नंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जो अपना एप्लीकेशन नंबर है एन टी ए का वो फिल करना है री एंटर कैंडिडेट नेम नेम दिस इज ऑल बेसिक थिंग्स नाओ जेंडर हो गया कैटेगरी हो गई आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे कई सारे लोगों को डाउट होता है कि सर मैंने तो एन के अंदर ओ कर दिया था बट आई डोंट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ ओ बी राइट नाउ तो अब मैं यहाँ क्या फ़िल करूँ यहाँ आप अपनी कैटेगरी फिल करो करेक्ट ई क्लेम कर रहे हो तो ये अदरवाइज नो फिजिकली चैलेंज नो दिस इज़ लाइक अफगाना इंडियन कौन कौन सा आ रहा है रिलीजन हिंदू ब्लड ग्रुप ए पी पॉजिटिव आई यू बिलोंग टू बी एच यू स्टूडेंट कैटेगरी अगर आप इसको येस yes करेंगे तो आपसे वो यू जी एग्ज़ाम और पी जी एग्ज़ाम का रोल नंबर पूछेगा दोनों तो में से कोई भी हो सकता है तो आप अगर उसके स्टूडेंट हो तो अदरवाइज इसको नो no कर दो परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस ध्यान से डाल देना और उसके बाद ये फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है दिस इज द एप्लीकेशन डिटेल अब आएगा फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के अंदर सो so, अपने पिक्चर को एज पर इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन सेट कर दो उसके पिक्सल उसके डायमेंशन देन उसको डाउनलोड करो सेम इज फॉर द सिग्नेचर दैट इज़ वेरी सिंपल डोंट गेट कन्फ्यूज साइज़ कम करना होगा आपके फोटो का साइज़ ज़्यादा है तो सिंपल वेबसाइट पे चेक करो गूगल पे डालो हा टू रिड्यूज़ द साइज ऑफ एन इमेज वो ऑनलाइन आपको फोटो अपलोड करेगा और साइज के एप्यू में लेके चला जाएगा नाउ एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिस इज एज सिंपल एज दैट अपने जितने भी बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री हैं वो सारे का डिटेल डालना है देन टेस्ट सेंटर एंड अलाइड डिसिप्लिन अलाइड डिसिप्लिन के बारे में पूछेगा फाइनली सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आपका यहां पे कंप्लीट आ जाएगा आपका एप्लीकेशन आ जाएगा आपके पास मेल आ जाएगा सो so, अब अगर भी अंदर अभी भी प्रॉब्लम आ रही हो सो लेट मी नो बिकॉज आई डोंट हैव द लाइक दिस वन विच वन दिस नंबर एन टी ए नंबर सो दिस इज नॉट मैचिंग सो इफ समबडडी वॉन्ट्स टू चेक देयर अप्लीकेशन फ्राम माई साइड दैन यू कैन शेयर इट कई लोगों ने शेयर किया मैंने चेक किया बट uh, अंदर जो फोटो अपलोड की प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा आपको वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन करो दैट विल बी रिजॉल्व फर शेयर सो दिस इज़ अबाउट और इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है लाइक like, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मेन होता है डिसिप्लिन और अलाइट डिसिप्लिन सो आप मेन डिसिप्लिन और अलाइट डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट समझ लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो दिस इज ऑल अबाउट एंड इस पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लेना अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज दीज आर द लाइव क्लासेज बहुत ही मजा आएगा आपके सारे डाउट बिकॉज मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा दैट आई हैव नॉट शेयर्ड एवर कंपाइलअप स्टार्टिंग से रहेगा एंड द थिंग्स यू विल लर्न टू डिस्कवर बिकॉज आप सारे ही लोग कोई जे है कोई नेट निकाला है डॉक्टरेट करना बहुत ज़रूरी है सो so, उसके एडवेंचर को कहाँ मिस्टेक करते हैं वो चीज़ और कैसे आगे बढ़ना है ये मेरी पूरी पाँच क्लास की सीरीज़ चलने वाली है सो so, ये पहला फ्री क्लास है इसको और सारे ही क्लास फ्री रहेंगे बट आपको अटेंड ज़रूर करना है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर लिसनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन ज़रूर कर लेना बाय टेक केयर